नमस्कार मित्रों, मैं वैद अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके लिंग में ठीक से तनाव नहीं आता है, ना ही सेक्स की इच्छा होती है और वीर्य भी समय से पहले ही निकल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और शर्मिंदा होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही भाइयों के लिए आज मैं आपको केसरवटी गोलियां बना करके दिखाने वाला हूँ, जिसके कुछ ही दिन इस्तेमाल से दोस्तों लिंग में भरपूर तनाव होता है, सेक्स की इच्छा बढ़ती है और टाइमिंग भी दोस्तों इससे 15 मिनट से ज़्यादा हो जाती है। और जो भाई बढ़ती उम्र के साथ या किसी भी वजह से शारीरिक और मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, या जो भाई बिल्कुल जवान हैं फिर भी उनके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है या टाइमिंग बहुत ही कम है, तो वो मेरे भाई इस नुस्खे को सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करके देखें और केवल 7 दिन में ही आपको जबरदस्त रिजल्ट महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको केसर बटी बनाने का तरीका बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये गोलियां केसर बटी हैं जो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं, ये कम ही बची हैं और इसीलिए हम इसे दोबारा तैयार कर रहे हैं। इन्हें बनाने के लिए दोस्तों जो भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होंगी और कितनी होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने 5 ग्राम असली केसर ले लेना है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल केसर है बिल्कुल। और असली केसर की पहचान दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपने 5 ग्राम असली केसर ले लेना है। अब 1 ग्राम आपने कस्तूरी ले लेनी है, 5 ग्राम अकरकरा ईरानी लेना है, 1 ग्राम जिंदबे दस्तर लेना है, 2 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 5 ग्राम मूली के बीज लेने हैं, 2 ग्राम भीमसेनी कपूर लेना है, 5 ग्राम भांग के बीज लेने हैं, 6 ग्राम असली शिलाजीत लेना है और 3 ग्राम हरी इलायची के बीज लेने हैं। ये सभी चीजें लेकर दोस्तों आपने इन्हें सुखाकर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर को दोस्तों आपने एक खरल में डाल लेना है। अब इसमें दोस्तों आपने 5 ग्राम चांदी भस्म डालनी है, 5 ग्राम त्रिभंग भस्म डालनी है, 5 ग्राम लोह भस्म डालनी है और 5 ग्राम मोती पिष्टी डालनी है। ये सभी भस्में दोस्तों आपने खरल में ही डाल लेनी है और इन भस्मों को जड़ी बूटियों के पाउडर के साथ में आपने अच्छी तरह से रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद दोस्तों आपने खरल में लगभग 150 ग्राम बरगद का ताजा दूध डालना है और इसकी रगड़ाई करनी है। अच्छी तरह से रगड़ाई करने के बाद दोस्तों आपने अपनी दवा का लूदा बना लेना है और लूदा बनाने के बाद आपने उसकी गोलियां बना लेनी है। ये गोलियां आप देख रहे हैं लगभग छोटे मटर के दाने के बराबर ये गोलियां हैं और इतनी बड़ी आपने गोलियां तैयार कर लेनी है और उन्हें आपने सुखा लेना है। दोस्तों धूप में नहीं सुखाना है, ऐसे ही छांव में रख दें, 1 से 2 दिन में ये आपकी गोलियां सूख जाएंगी और फिर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक गोली आपने सुबह नाश्ते के लगभग 50 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आपने 1 गिलास दूध से ये एक गोली खा लेनी है। इसी तरह एक गोली आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध से ले लेनी है। और दोस्तों केवल 7 दिन में आप देखोगे आपके लिंग में भरपूर तनाव आएगा, सेक्स इच्छा बढ़ेगी, कमजोरी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और टाइमिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।